इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल को टीवी में कनेक्ट करते है तो हमारा ओनली पोर्ट चार्जिंग होता है और उसमें कनेक्टेड नहीं होता है। तो गाइस हम कई सारे जो मोबाइल को यूज करते है लेकिन आपको चार्जिंग का केबल होता है यानी कि डेटा केबल होता है तो इस केबल से आपको मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है और ओनली पोर्ट चार्जिंग हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है तो चले मैं आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से भी देखो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस हमारा जो टीवी है और इस हमारा जो मोबाइल है तो मोबाइल को हम टीवी में कनेक्ट करने वाले हैं और उसमें नो डिवाइस आ जाता है और मोबाइल है वही हमारा ओनली पोर्ट चार्जिंग होता है। तो गाइस अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमने टीवी को ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद उसमें नो डिवाइस है। तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए कई सारे हम जो मोबाइल को टीवी में कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल से तो उसमें आपको ओनली पोर्ट चार्जिंग होता है। तो चलिए हमारे पास एक डेटा केबल है तो इस केबल से मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद जो मोबाइल है वही हमारा ओनली पोर्ट चार्जिंग हो रहा है और उसमें नो डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि गाइस कई सारे मोबाइल होता है वही आपको जो टीवी में कनेक्ट करते हैं लेकिन उसमें यूएसबी 2.0 होता है वही हमारा लिखा नहीं आ रहा है। तो मोबाइल में आपको जो ट्रांसफ़र फाइल होता है तो उसमें आपको क्लिक करना पड़ता है तभी आपका मोबाइल है वही आपको टीवी में शो कर सकते हो। तो चलिए मैं ट्रांसफ़र फाइल का ऑप्शन है तो उसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो मोबाइल है वही हमारा टीवी में कनेक्ट हो जाएगा। जो चार्जिंग हो रहा है वही हमारा चार्जिंग भी हो रहा है और हमारा जो मोबाइल है वही हमारा टीवी में भी कनेक्ट हो गया है। तो आपको इस तरह मोबाइल को टीवी में कनेक्ट करते हैं डेटा केबल से यानी कि चार्जिंग का केबल से तो वही आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।